पहला क्वेश्चन लेते हैं जो डी ग्रुप के एग्जाम में आया था, क्योंकि क्वालिटी के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के अंदर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जो आपके स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, √5x² - 8x + 3√5 = 0, इसके हल बताने हैं, इसके शून्य बताने हैं, इसके रूट बताने हैं और इसके मूल बताने हैं। रूट, मूल और शून्य एक ही बात होती है, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, हमेशा जो मूलों की गुणा होती है वो क्या होती है, सी बाई ए। क्या होती है भाई, सी बाई ए। मूलों की गुणा क्या होती है, हमेशा सी बाई ए। तो इसमें सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 3√5 और ए की वैल्यू क्या है, √5। तो मूलों की गुणा क्या हो जाएगी, सी बाई ए मतलब 3, कितनी हो जाएगी भाई 3। तो अब ऑप्शन आपके पास चार हो, चार ऑप्शन में दोनों रूट ही दे रखे हैं, और रूटों के दोनों मूलों की गुणा कितनी होनी चाहिए, 3। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिनमें दोनों रूटों की गुणा कितनी हो, 3। अगर ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे, 5 और 3 है तो गुणा 15 आ जाएगी, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। फिर ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, 4 दुनिया 8 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या है, √5 and 3√5। जब इन दोनों गुणा करूंगा 3 आ जाएगा, 3 ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। इस टेक्निक से ही हम पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। अगर आपको भी इसी टेक्निक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है और एग्जाम में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बिल्कुल बेसिक से लेके टफेस्ट लेवल तक हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम्स का मोस्ट फेवरेट चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात किस फॉर्म की होती है, ax² + bx + c = 0। अब बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसमें जो ए बी और सी, इनको बोलते हैं कोफिशियंट। क्या बोलते हैं, कोफिशियंट। जो x² के साथ होगा उसको ए, x के साथ होगा उसको बी, और सी क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अब देखिए, जो x की वैल्यू इसमें पुट करने पर इक्वेशन में, जो इस इक्वेशन को 0 बना देती है, तो उसको बोलते हैं इस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, और हिंदी में इसके दो नाम दिए गए हैं, मूल या शून्य। तो रूट, मूल या शून्य क्या है, एक्स की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक को 0 बना दे, किसके बराबर बना दे, 0 के बराबर बना दे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट आएंगे, इसके आपके पास 2 रूट आएंगे, क्योंकि 2 पावर, इसकी घात कितनी है, 2, तो इसके रूट कितने आएंगे, 2। जो रूट होते हैं उनको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, एक रूट को अल्फा दूसरे को बीटा। तो दोनों रूटों को, मूलों का योग होगा वो क्या होगा, -b/a। दोनों मूलों की जो गुणा होगी वो क्या होगी, c/a। सिर्फ इसी टेक्निक के द्वारा हम सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में निकाल पाएंगे। एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं मैं आपको। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3x² + 7x + 9 = 0। अब इसमें क्या होगा, जो मूलों का योग होगा, अल्फा प्लस दोनों रूटों का योग होगा, वो क्या होगा, -b/a। b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 3 है, तो -7/3। रूट इस प्रकार क्या होंगे, उनका जोड़ कितना होगा, -7/3, और उनका प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a 9/3 मतलब 3। बस इतनी बातें आपको ध्यान होगी। तो अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं, सभी क्वेश्चन हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये सारे के सारे HSC के प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं बच्चे। तो देखिए, समीकरण x² + √2x - 4 = 0 के हल हैं, मतलब इसके रूट भी बोल सकता है, हल भी बोल सकता है, मूल भी बोल सकता है, शून्य भी बोल सकता है, सबका मतलब एक ही होता है। तो देखिए, सी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, -4। पहले हम मूलों की गुणा से सीखेंगे, उससे काम चल जाता है, फिर उससे काम नहीं चलता तो मूलों के जोड़ पे जाएंगे। मूलों की गुणा देखते हैं, तो सी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 1। ठीक है, तो जो मूलों की गुणा हो जाएगी, अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a -4 हो जाएगी। तो बस आपको ऑप्शन में वो ऑप्शन चूज करना है जिनमें दोनों रूटों की, मूलों की गुणा क्या हो, -4। तो देखिए, तीनों ऑप्शन है जो b c और d है, वो माइनस तो किसी प्रकार से नहीं बना सकते, अभी माइनस का तो सही है, सही है, क्योंकि उसमें माइनस साइन है ही नहीं। तो अकेला ऑप्शन बचता है ए। ए में क्या है, √2, दूसरा क्या है, -2 √2। इन दोनों की गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा, और हमें -4 ही तो चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान टेक्निक है,
सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, जो मूलों का गुणा होती है वो क्या होती है, सी बाई ए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा राइट साइड, राइट हैंड साइड पे। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कीजिए और से कमेंट करिए इसका आंसर। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, 4√5x² + 3x - 2√5। तो देखिए सी की वैल्यू क्या है, -2√5, और ए की वैल्यू क्या है, 4√5। ठीक है, तो जो मूलों की गुणा हो जाएगी अल्फा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए, सी बाई ए। तो ये क्या कहा जाएगा, जब सी बाई ए करेंगे √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा -1/2। तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिनका दोनों रूटों गुणा करके कितना आ जाए, -1/2। अब ऑप्शन नंबर ए में तो 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बी में दोनों प्लस के हैं तो हमें माइनस का तो चाहिए, माइनस तो बना नहीं पाएंगे उनके गुणा कभी भी। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, जब आप ऑप्शन नंबर बी के ऊपर जाएंगे तो -2√5 और दूसरा क्या है, √5/4। पहला ऑप्शन क्या है, -2/√5, दूसरा क्या है, √5/4। जब इनके गुणा करेंगे तो √5 से √5 कट जाएगा और क्या आ जाएगा, -1/2, और हमें -1/2 ही चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं, इक्वेशन क्या है, √3x² + 11x + 6√3 = 0। और आपके पास चार ऑप्शन है भाई, तो पहला काम तो सी देखना है, इसमें सी की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट होता है 6√3 आपके पास है। दूसरी वैल्यू देखनी है आपको ए की, ए की वैल्यू कितनी है इसमें, √3। तो जो मूलों की गुणा होती है वो क्या होती है, अभी रूट की गुणा क्या होती है, सी बाई ए। तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा ना, तो हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसे दोनों रूटों गुणा करके कितना है, 6। तो देखिए तीसरे और चौथे ऑप्शन में एक एक माइनस का है, तो आप दोनों की गुणा माइनस में आ जाएगी, लेकिन यहाँ माइनस का निशान तो नहीं है, वो तो वैसे कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं बनेगा। जब ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, एक रूट आपके पास 2√, ये दूसरा क्या है भाई, -3√3, इनकी जब गुणा करेंगे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6, और 6 ही तो चाहिए था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। तो आपको बस काम कितना करना है बच्चे, इक्वेशन को कंपेयर करके सी और ए की वैल्यू निकालनी है, फिर तो जो मूलों की गुणा होती है सी बाई ए होती है वो निकालिए, फिर ऑप्शन में से वो चूज कीजिए जिनकी जिनकी गुणा 6 बनती है, इतना ही तो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है भाई, x² + 4x + 4 को अगर x + 2 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं बच्चे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x + 2 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको एक बार 0 के बराबर पुट कर दीजिए और x की वैल्यू निकालिए कितनी आ जाएगी, -2। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसको 0 के बराबर पुट कर दीजिए और x की वैल्यू आ गई। अब हमसे शेषफल पूछा है, किसको डिवाइड करना था हमें, x² + 4x + 4 को डिवाइड करना था। अब ये x की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, 4, ये माइनस का 8, ये 4, 4 से 4 और 8 कितना आ गया, 0। तो पुट करने पे कितना आया, 0। तो शेषफल भी कितना होगा आपके पास, 0। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होता है, इसका शेषफल या रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, वो क्या कहता है, x² - 8x + 17 का न्यूनतम का मान क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है। x² - 8x + 17 का मिनिमम वैल्यू क्या होगी, चाहे मिनिमम निकालनी हो चाहे मैक्सिमम निकालनी हो, एक बार क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, अवकलन कर देते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन का थोड़ा बेसिक जान लीजिए, एक्स की फाइव की डिफ्रेंशिएशन करनी है तो पावर को आगे ले आइए और एक पावर को कम कर दीजिए, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए एक्स की पावर 4 की डिफरेंशिएशन करनी है, पावर को आगे ले आइए और एक पावर को कम कर दीजिए, समझ गए। और जो कांस्टेंट होता है उसकी डिफरेंशिएशन 0 होती है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0। बाकी डिफरेंशिएशन चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो आपको इस इक्वेशन की जो भी दी हुई है x² - 8x + 17 की मिनिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, चाहे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, आपको एक बार क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x² की डिफरेंशिएशन 2x, इसकी डिफरेंशिएशन x की क्या आ जाएगी, 1 पावर आ जाएगी, पावर कम होगी तो
तो -8 आ जाए, कॉन्स्टेंट की जीरो होती है। पहला काम डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको जीरो के बराबर पुट कर दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है ये गिवन इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जिसकी भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो 4 का वर्ग 16, ये कितना 8 चौक 32 प्लस 17, 17 और 16 33, में से 32 गया कितना 1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। फिर भी आप कोई परेशानी फेस कर रहे हैं एचएसएससी एग्जाम्स के अंदर या कोई भी एग्जाम के अंदर मैथ में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 9872843595। 24 आवर हमारी टीम आपके सेवा के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स।